नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक सैलरीड इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल करते हैं। आईटीआर फाइल करने का डिटेल प्रोसीजर आज हम एक डेमो के साथ समझेंगे। आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास फॉर्म 16 होना जरूरी है। फॉर्म 16 का दो पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो चलिए हम देखते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी में क्या डिफरेंस है। ये है फॉर्म 16 पार्ट ए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ लेफ्ट साइड में नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर होता है, फिर एम्प्लॉय का भी नेम एड्रेस होता है, यहाँ पैन नंबर होता है, असेसमेंट ईयर, ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है क्वार्टर वाइज कितना अमाउंट उसका एम्प्लॉय का अकाउंट में क्रेडिट हुआ है एम्प्लॉयर की ओर से, और यहाँ कितना अमाउंट टैक्स डिडक्ट हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं, इस एम्प्लॉय का टोटल 8,20,358 रुपीज क्रेडिट हुआ है, बट यहाँ पर टैक्स जो इस एम्प्लॉय से डिडक्शन हुआ है, जो कि हम TDS बोलते हैं, 21,007 रुपीज ओनली। तो पार्ट ए में ये है मेन इन्फॉर्मेशन जो कि हमें मिलता है, बट ये पार्ट ए से सिर्फ हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो अभी हम देखते हैं इस एम्प्लॉय का पार्ट बी। ये है फॉर्म 16 का पार्ट बी। ये है पार्ट बी ऑफ फॉर्म 16। यहाँ पर भी सेम है, नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, राइट साइड में नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय। अभी हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूरा डिटेल मेंशन रहेगा कि एम्प्लॉय का ग्रॉस सैलरी कितना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा भी अगर कोई परक्विजिट है या सैलरी का अदर पार्ट है तो यहाँ भी मेंशन रहता है, इस केस में ये जीरो है। तो टोटल सैलरी हेड से कितना इनकम है यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद देखिए हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर जैसे सैलरीड इंडिविजुअल को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, ये भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद एम्प्लॉय का जो भी प्रोफेशनल टैक्स होता है, दैट इज टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 16(3), जो कि 2500 रुपीज इस एम्प्लॉय के केस में है। ये टोटल दोनों मिलकर 52,500 रुपीज यहाँ पर डिडक्शन हो गया। तो अभी 8,98,000 में से ये डिडक्शन होकर बन गया है 8,46,000। उसी तरह एम्प्लॉय का कुछ अदर इनकम है जो कि एम्प्लॉयर ने रिपोर्ट किया है, तो यहाँ पर 3,800 रुपीज अदर इनकम है, ये ऐड हो गया है, फिर ये कुल मिलाकर हो गया है 8,50,068 रुपीज। उसके बाद एम्प्लॉय का यहाँ पर आप देख सकते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, जैसे कि आपको जरूर पता होगा कि ATC में 1,21,000 एम्प्लॉय ने इन्वेस्ट किया है। उसके बाद देखिए ATCCD1 पर 79,426 शो किया है, उसमें से 29,000 का इसको बेनिफिट मिला है, क्योंकि ATC और ATCCD1 ये दोनों मिलाकर 1,50,000 होना है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसीलिए इस केस में ओनली 29,000 यहाँ पर डिडक्शन मिला है। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है यहाँ पर देखिए ATCCD1B पर वो अमाउंट चला गया है 50,000 रुपीज, तो एम्प्लॉय को पूरा 2 लाख का, दैट मीन्स यहाँ बन गया 1,50,000, यहाँ बन गया 50,000, दोनों मिलाकर 2 लाख का बेनिफिट मिला है। उसके बाद देखिए ATCCD2 मतलब NPS का गवर्नमेंट शेयर जो भी एम्प्लॉय का है, यहाँ पूरा अमाउंट यहाँ पर डिडक्शन मिल गया है। उसके बाद ATD जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, ये 14,282 रुपीज एम्प्लॉय को मिला है। तो कुल मिलाकर एम्प्लॉय का डिडक्शन यहाँ पर मिला है 2,93,708 रुपीज। तो अभी नेट टैक्सेबल इनकम बन गया है 5,56,360 रुपीज। इस हिसाब से यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन हुआ है, टोटल टैक्स यहाँ पर एम्प्लॉय का शो कर रहा है 21,007 रुपीज, जो कि आप पार्ट ए में भी देख सकते हैं 21,007 रुपीज डिडक्शन हुआ है। तो आपको रिटर्न फाइल करने से पहले ये दोनों अमाउंट को जरूर एक बार चेक करना है कि पार्ट ए में जो इनकम टैक्स डिडक्शन अमाउंट बता रहा है वो पार्ट बी के साथ इक्वल है कि नहीं। अगर नहीं है तो पहले एम्प्लॉयर को ये रिपोर्ट करना है, इसको करेक्शन करना है, फिर आपको रिटर्न फाइल पर प्रोग्रेस करना है। अदरवाइज आपका रिटर्न फाइल करने से भी प्रोसेसिंग के बाद ऑब्जेक्शन आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम मेनली जाएंगे पार्ट बी को देखकर रिटर्न फाइल करेंगे इस एम्प्लॉय का। रिटर्न फाइल करने के लिए आप अपने ब्राउजर में जस्ट सर्च कीजिए इनकम टैक्स ई फाइलिंग। ये सर्च करते ही ये एक लिंक आ जाएगा गूगल में से,
इस ब्राउजर में आपको एक लिंक शो करेगा इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in। ये लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्टली क्लिक करके जा सकते हैं। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। ये पेज जब ओपन होगा सबसे ऊपर में कुछ पॉपअप करके कुछ पेजेस आता है एडवर्टाइजमेंट के तौर पर इनकम टैक्स इंडिया के, जो कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन होता है, डिस्प्ले होता है, इसको आप बंद कर सकते हैं। अभी देखिए राइट साइड में तीन ऑप्शन दिया हुआ है, रजिस्टर योर सेल्फ, लॉग इन हियर एंड रिसेट। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो आप लॉग इन में जाएंगे, अदरवाइज आप अगर फर्स्ट टाइम यूजर है तो आपको अपना पैन नंबर यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। पैन नंबर को रजिस्टर करके आधार को लिंक करना होगा, उसके बाद ही आप लॉग इन करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन का डिटेल नहीं जानते हैं तो ऊपर आई बटन में जाकर वीडियो देख सकते हैं कि हाउ टू रजिस्टर फॉर इनकम टैक्स ई फाइलिंग। तो अभी हम, क्योंकि ये रजिस्टर्ड यूजर है तो अभी हम लॉगिन पर जाते हैं। लॉगिन हियर पर क्लिक करने के बाद इस तरह एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको यूजर आईडी पुट करना है, यूजर आईडी होता है पैन नंबर। उसके बाद पासवर्ड देना है, जो भी आप पासवर्ड बनाए हैं। उसके बाद ये कैप्चा कोड को यहाँ पर एंट्री करके लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो चलिए इस एम्प्लॉय का मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अकाउंट पर लॉगिन हो चुका हूँ। तो लॉगिन होने के बाद आपको जाना है ई फाइल टैब पर। यहाँ पर ई फाइल पर एक ई फाइल मेनू से एक सब मेनू दिया हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न। तो हम इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करते हैं। अभी सबसे ऊपर में आपका पैन नंबर शो करेगा, उसके बाद असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर मतलब जो करेंट असेसमेंट ईयर चल रहा है 2020-21, ये बाय डिफॉल्ट सबसे ऊपर ही मिलेगा। उसके बाद आईटीआर फर्म नंबर, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल है तो आपके लिए लागू होता है आईटीआर वन। उसके बाद फाइलिंग टाइप में हम सिलेक्ट करना है ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न। उसके बाद सबमिशन मोड में सिलेक्ट करना है प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। अभी नीचे आना है, यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आई एग्री करना है, अगेन कंटिन्यू। अभी हमारे सामने ओपन हो चुका है आईटीआर वन सहज इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न। तो अभी ये जो फर्स्ट पेज है यहां पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद है पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन। अभी पार्ट ए में जाएंगे तो यहाँ पर सब पूरा डिटेल आपका इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा, आपका पैन नंबर, नेम, एड्रेस, उसके बाद आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब अवेलेबल मिलेगा। अब उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर है या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशनर एंड एनी अदर, तो कोई जो भी आपके लिए यहाँ पर एप्लीकेबल है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट पर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद है देखिए पॉइंट नंबर 22 पर फाइल्ड अंडर सेक्शन और फाइल्ड इन रेस्पॉन्स टू नोटिस। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं एम्प्लॉय ने, तो ये फाइल अंडर सेक्शन 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ये जो है ये करेक्ट सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद है आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7 प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये 7 प्रोविजो होता क्या है, 7 प्रोविजो होता है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अ कंपनी और फर्म, सेकंड में एनी अदर पर्सन, देन अ कंपनी और फर्म हुज टोटल इनकम एक्सीड्स द अमाउंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, दिस इंक्लूड पर्सन हु हैज डिपोजिटेड 1 crore rupees और मोर इन 1 or more करेंट अकाउंट्स। इसके अलावा भी हु हैज इंक्यूड एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 2 lakh फॉर ट्रेवल टू फॉरेन कंट्री और हु हैज इंक्यूड एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 1 lakh rupees टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये जो कंडीशंस है, इस कंडीशन के आधार पर अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको यस करना होगा, अदरवाइज इसको हमको नो करना है। तो इस केस में ये इस एम्प्लॉय के लिए ये लागू नहीं होता है, तो यहाँ पर ये नो करेंगे हम। उसके बाद जो है यहाँ पर अभी
क्योंकि ये फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इसमें कुछ जरूरत नहीं है, अगर रिवाइज करते हैं तो यहाँ ये इन्फॉर्मेशन सब जरूरत पड़ता है। अभी आप यहाँ पर एरो में नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। अभी नेक्स्ट पेज है कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी यहाँ पर हम डायरेक्ट एडिट नहीं करके क्या करेंगे, क्योंकि ए बी सी मिलाकर ये ग्रॉस सैलरी बनता है, तो इस एम्प्लॉय के लिए फिर सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) लागू है, को हम फॉर्म 16 से फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमको अभी फॉलो करना है फॉर्म 16 का पार्ट बी। पार्ट बी में देखिए यहाँ पर सैलरी एच पर प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 17(1) 898768 सेम अमाउंट को यहाँ फिलअप करेंगे। अभी नंबर टू में लेस अलाउंसेस टू द एक्सटेंड एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। अंडर सेक्शन 10 में कोई एग्जेम्प्शन अगर मिला है तो वही चीज को यहाँ पर मेंशन करेंगे। देखिए यहाँ पर अंडर सेक्शन 10 में जैसे कि ट्रैवल कॉन्सेशन हो गया, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी हो गया, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन हो गया, हाउस रेंट अलाउंस से भी कुछ अमाउंट होता है एग्जेम्प्शन। तो ये हाउस रेंट अलाउंस से कितना अमाउंट एग्जेम्प्शन होता है ये अगर जानना है तो आप ऊपर आई बटन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो इस एम्प्लॉय के लिए कुछ भी लागू नहीं हुआ है, अगर लागू होता है तो हम वो पार्ट को फिलअप करते, तो इस केस में हम इसको जीरो छोड़ देंगे, तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए नेट सैलरी भी वही बता रहा है 898,768। अभी डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 यहाँ पर क्या क्या है देखिए, नंबर फोर पर ये है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। अभी ए बी सी इसमें देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि ये सैलरीड इंडिविजुअल है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 50,000 आ चुका है। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस इस एम्प्लॉय का जीरो है। प्रोफेशनल टैक्स इस एम्प्लॉय का अभी हम फॉर्म 16 देखकर फिलअप करेंगे। यहाँ पर देखिए टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट जो कि प्रोफेशनल टैक्स भी बोला जाता है अंडर सेक्शन 16(3) ये है 2,500 रुपीज, और यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मेंशन है, दोनों मिलाकर 52,500 रुपीज का एग्जेम्प्शन मिलेगा। तो यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16(3) यहाँ पर 2,500। अभी ये जो अमाउंट ये दोनों मिलाकर हो गया 52,500, अभी इस अमाउंट माइनस होके बन गया 8,46,268 रुपीज। अभी टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम है, अगर आपके पास घर है जो कि किराए में लगाते हैं तो उसमें से कुछ इनकम होता है तो वही इनकम आपको यहाँ पर शो करना है। सेकंड थिंग, अगर आप हाउस लोन ले रखे हैं और उसका इंटरेस्ट अगर एग्जेम्प्शन में लेना चाहते हैं तब भी ये पार्ट को फिलअप करना होगा आपको। तो जो भी इनकम है उसको आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, और अगर आप इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 5 पर इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, तो इस पॉइंट पर जो आप अप टू 2,00,000 रुपीज तक जो इंटरेस्ट एग्जेम्प्शन आपको लेना होता है वही अमाउंट यहाँ पर फिलअप करेंगे। नेक्स्ट जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो भी टैक्सेबल इनकम अगर कोई दूसरा सोर्स से आपके पास है तो यहाँ पर उसको आप मेंशन करेंगे। जैसे कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसमें से जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्सेबल होता है, तो अगर आपको एफडी से इंटरेस्ट मिला है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर 20,000 रुपीज मिला है तो यहाँ पर 20,000 आप मेंशन कर सकते हैं। अगर और दूसरा फील्ड दिखाना है तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एनी ओदर करके इस एम्प्लॉय का फॉर्म 16 में कुछ मेंशन है। यहाँ पर देखिए इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस ऑफर फॉर टीडीएस, जो कि एम्प्लॉयर ने ये इनकम को शो किया है फॉर्म 16 में भी, तो 3,800 रुपीज यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम 3,800 फिलअप करेंगे, और जो भी नेचर ऑफ इनकम था उसको आप मेंशन कर सकते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। अभी देखिए ये अदर सोर्सेस का इनकम भी ऐड होके ये अमाउंट बन गया है अभी 8,70,000 रुपीज। अभी जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये हो गया ATC, ATC CD1, ATC CD1B।
मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये डिफरेंट सेक्शन क्या होता है। ATC, जैसे कि हम LIC करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारा स्कीम है जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट अगर उसमें रहता है तो ATC के अंदर हमें उसका डिडक्शन मिल जाता है। ATCCD1 होता है, अगर आप NPS सब्सक्राइबर है तो NPS का ओन शेयर ATCCD1 में आता है। ATCCD1B होता है सिर्फ NPS सब्सक्राइबर के लिए, ये एक्स्ट्रा 50,000 का डिडक्शन मिलता है। ये भी कैसे होता है, एक वीडियो है, अभी मैं ऊपर में आई बटन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ATCCD2 होता है NPS का गवर्नमेंट शेयर, क्योंकि हमारा ग्रॉस सैलरी में सारा अमाउंट मिला हुआ है तो गवर्नमेंट शेयर को भी यहाँ पूरा अमाउंट माइनस हो जाएगा। ATD होता है अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस कुछ है तो ATD यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, बट ATD के लिए यहाँ डायरेक्टली नहीं होगा, वो कैसे होगा आगे हम समझेंगे। उसी तरह यहाँ पर और भी बहुत सारा सेक्शन है, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन था जो आमतौर पर सभी लोगों के लिए लागू होता है मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। अगर और एक जो मेनली होता है ATTTA, अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं उसमें से जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो आप चाहेंगे तो टोटल इनकम में शो करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर अप टू 10,000 रुपीज तक यहाँ पर एग्जम्पशन आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर एनी अदर में फिर से मैं ऐड कर रहा हूँ, एनी अदर में मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज इंटरेस्ट मिला है, तो ये सेम 5,000 तो हम यहाँ पर शो किए और सेम 5,000 ATTTA में भी हमको डिडक्शन मिल जाएगा। इधर तो अभी हम फिलअप करते हैं ATC। ATC अभी जो फॉर्म 16 में जो मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर ATC मेंशन हुआ है, आप देख सकते हैं ये 1,21,000 रुपीज। यहाँ पर बार बार ये सेव करने के लिए बोलता है, सेव करते रहना चाहिए। अभी नेक्स्ट जो डिडक्शन एम्प्लॉय को मिला है ATCCD1 पर मिला है, ATCCD1 पर एम्प्लॉय को मिला है सिर्फ 29,000 का बेनिफिट, तो हम यहां पर ये जस्ट 29,000 को भी मेंशन कर सकते हैं। ATCCD1 29,000, ATCCD1B यहां पर देख सकते हैं ये है ई नंबर, ATCCD1B में 50,000 का मिला है। अभी ATCCD2 NPS गवर्नमेंट शेयर नेक्स्ट पेज पर है, ये है ATCCD2 79,426, उसके बाद ATD जो कि मैं पहले भी बताया था हेल्थ इंश्योरेंस, यहां देखिए ATD में एम्प्लॉय को मिला है 14,282 रुपीज, बट इसको हम यहाँ पर डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते, इसके लिए क्या करेंगे ऊपर में आएंगे। अब देखिए यहाँ पर शेड्यूल ATD करके एक मेनू दिया हुआ है, एक पेज है, उसी पेज पर हम जाते हैं। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन पूछा है उसको हम फिलअप करते हैं, जैसे कि इस एम्प्लॉय के केस में ये अपना फैमिली के लिए लिया है, ना ही सीनियर सिटीजन पेरेंट के लिए नहीं लिया है ये। तो अभी इसी पेज पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ दो पार्ट है, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। अगर आप सेल्फ या फैमिली के लिए सिर्फ लेना चाहते हैं तो पार्ट 1 को फिलअप करेंगे, और अगर पेरेंट्स है जो कि सीनियर सिटीजन है उनके लिए लेना चाहते हैं तो ये नीचे वाला पार्ट 2 को फिलअप करना है। तो अभी देखिए, वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, अगर आपका पेरेंट को छोड़ के कोई अगर सीनियर सिटीजन है तब यस करना है, अदरवाइज नो करना है, तो यहाँ पर नो करना है। अगर आपको बिल्कुल क्लेम नहीं करना है तो नॉट क्लेमिंग कर देना है, तो यहाँ पर अभी नो करेंगे क्योंकि कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है और हम सिर्फ फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करेंगे ना कि पेरेंट्स के लिए। तो अभी हेल्थ इंश्योरेंस जो अमाउंट था 14,282 रुपीज, इसको फिलअप कर देना है। अभी नीचे आना है, वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, यहाँ पर यस नो छोड़ के हम नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स को सिलेक्ट कर देना है। अभी हम प्रीवियस पेज पर आते हैं, कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम टैक्स। अभी देखिए 14,282 रुपीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया है। अभी नीचे आते हैं, नीचे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं डिस्कस कर रहा हूँ
और कोई सेक्शन अगर आपके लिए लागू है तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। ATTTA जो कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसको हम फिलअप कर चुके हैं। अगर कोई पर्सन डिसेबल है, अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर 75,000 रुपीज़ का एग्जेंप्शन मिलता है, अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 का यहाँ पर एग्जेंप्शन मिलता है। सीवियर डिसेबिलिटी दैट मीन्स 80% और मोर। तो इस केस में इस एम्प्लॉय के लिए लागू नहीं हुआ है, क्योंकि इस सेक्शन में कुछ बेनिफिट इस एम्प्लॉय को नहीं दिया गया, कोई भी डिडक्शन नहीं दिया गया, तो अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। अभी देखिए ये सारा डिडक्शन 2,98,708 रुपीज होने के बाद नेट जो टोटल इनकम बोला जाता है इसको, आमतौर पर लोग टोटल इनकम मतलब ग्रॉस इनकम को समझते हैं, बट इनकम टैक्स फील्ड पर टोटल इनकम मतलब नेट टैक्सेबल इनकम, ये अभी बन गया 5,56,360 रुपीज। तो एज पर फॉर्म 16 ऑल्सो ये देखिए आप टोटल टैक्सेबल इनकम 5,56,360 रुपीज। तो इस हिसाब से एम्प्लॉय का टोटल टैक्स बन गया 27,451 रुपीज। अभी हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अभी टैक्स डिटेल पेज पर हम आ गए हैं। यहाँ पर जो भी अमाउंट आपका TDS डिडक्शन हुआ होगा यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं एग्जांपल के लिए एक ब्लैंक अकाउंट से कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो आपको ये दिख जाएगा। अभी नेक्स्ट पेज है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। जो भी अमाउंट टैक्स आप पे किए होंगे यहाँ पर TDS में वो रिफ्लेक्ट करेगा। वही सेम यहाँ पर समस्या आ रहा है, क्योंकि मैं एक ब्लैंक अकाउंट से कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स में मेंशन कर दिया हूँ 27,451 रुपीज़। तो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है, यहाँ पर देखना है कि आपको कोई अमाउंट फिर पे करना है या कोई अमाउंट रिफंड आना है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको जितना भी बैंक अकाउंट है सभी का डिटेल यहाँ पर मेंशन करना चाहिए। तो यहाँ जो भी आपका अकाउंट है उसका IFSC कोड, आप बैंक का नाम, IFSC कोड देते हैं ऑटोमेटिक बैंक का नाम आ जाता है, उसका अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे। और मान लीजिए 2 से 3 अकाउंट यहाँ पर ऐड करके आप अगर मेंशन करते हैं तो फिर कौन से अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए यहाँ पर टिक करना होगा आपको। उसके बाद ये वेरिफिकेशन सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ फादर्स नेम आ जाएगा, क्योंकि पैन नंबर में सिर्फ फादर्स नेम सपोर्ट करता है, यहाँ हस्बैंड नेम या और कुछ नहीं रहता है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आप खुद अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सेल्फ, यहाँ पर आपका पैन नंबर शो करेगा, यहाँ प्लेस आप शो करेंगे जहाँ से भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और यहाँ पर डेट आपको डेट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद रिटर्न फाइल सबमिट जब करेंगे तो आपको रिटर्न फाइल को वेरिफिकेशन करना होता है, और सबसे इजी तरीका होता है ई वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। आधार कार्ड में ई वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास अपना आधार के साथ अपना मोबाइल नंबर जो कि प्रेजेंटली चालू है उसी मोबाइल नंबर कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि उसी में एक OTP आता है, उसी OTP को पुट करने के बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर आपको करना है आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई, ये फास्ट वाला जो है इसको आपको सिलेक्ट करते हैं ताकि ये आसानी से बहुत जल्दी ई वेरिफिकेशन हो जाता है, तो इसको सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट पर जाना है। प्रीव्यू एंड सबमिट पर जाने के बाद प्रीव्यू करेंगे, उसको सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आधार OTP आएगा, जो भी OTP आपको आपका मोबाइल में आया होगा उसको यहाँ पर आपको पुट करना है। ई वेरिफिकेशन होने के बाद ITR का एक्नॉलेजमेंट प्लस टोटल फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप माई अकाउंट सेक्शन में जाएंगे, व्यू ई फाइल रिटर्न्स और फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर में ये पैन नंबर दिखाई देगा, यहाँ पर सिलेक्ट करना है इनकम टैक्स रिटर्न्स और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2020-21 फाइलिंग डेट यहाँ पर आपको शो करेगा, और यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर शो करेगा, यहाँ पर क्लिक करके आप एक्नॉलेजमेंट साथ ही साथ इनकम टैक्स फॉर्म को आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं फॉर ये फ्यूचर रेफरेंस। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल प्रोसीजर को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करने के लिए पूरा कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।